आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। कल की क्लास में हमने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। अगर हम 20 को कॉपी करते हैं और 30 के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हैं तो क्या होगा, या नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं तो ये रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर पेस्ट स्पेशल में अगर मैं यहां पे कर देता हूं ऑपरेशन में ऐड इन या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में मल्टीपल कंडीशंस हो जाते हैं, ठीक है। ओके तो अब इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं कि परसेंटेज का क्या रोल है। जैसे कि आपको 20% लिखना है तो 20 और फिर यहाँ पे परसेंट का सिंबल देना होगा, तो यहाँ पे आपको 20% दिख जाएगा। ओके अब मैं यहाँ पे अगर 20 लिखूं और उसके बाद में परसेंटेज दूं तो क्या हो जाएगा, 2000%। एक्सेल में क्या आता है कि 1 = 100% होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको 20% लिखना है तो 0.20 मतलब 100 से डिवाइड किया हुआ आपको यहां पर लिखना है, उसके बाद यहां परसेंटेज का सिंबल दे सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई वाला 100 वाला सिस्टम जो परसेंटेज कैलकुलेशन में होता है वो सिस्टम यहां नहीं होता है। जैसे यहां पे अगर मैंने 500 लिख दिया, मुझे इसका 20% निकालना है, 20% परसेंट के फॉर्मेट में है तो मुझे जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आइए आते हैं अपने एग्जाम्स पर। मेरे पास एक कलीग थे, मुझे एक भेजते थे डेटा, तो डेटा वो डाउनलोड करते थे कहीं वेबसाइट से, वहां पे परसेंटेज का हेडिंग होता था बट डेटा इन द नंबर फॉर्मेट में होता था इस तरह। ओके अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं जहां इसको यूज करना चाहता हूं वहां पे 70 नहीं 70% होना चाहिए, क्योंकि 70% 0.70 होता है। तो मुझे सबको इस तरह से कन्वर्ट करवाना, एक एक करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि इसको 100 से डिवाइड कर दे। तो हम एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे और इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां पे आपके सामने आएगा डिवाइड, ठीक है। ओके और परसेंटेज के सिंबल से क्या होगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके समझ गए जी। इसी तरह की एक दो एग्जांपल और आप खोजिए, ठीक है जी। ओके ठीक आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कुछ डेटा है और मुझे इस डेटा के ऊपर क्यूसी करवानी है, मतलब कि होता है ना कि आपके पास सेल्स का फिगर है और आपने तो बोला कि भाई चेक कर ले कोई इसमें एरर तो नहीं है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो गया, ऐसे आपके पास हजारों डेटा है एक ही कॉलम में, तो आपकी क्यूसी ने क्या किया, चेक किया, चेक करने के बाद कुछ एरर्स यहाँ पे दे दिया इस तरह से। उन्होंने उसने क्या किया कि आपके डेटा को चेंज नहीं किया, उसके सामने करेक्ट वैल्यू लिख दिया और बोला कि आप चेंज कर लो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आपके प्रसाद प्रॉब्लम हुआ कि आपके पास इस तरह का बहुत सारा डेटा है, हजारों डेटा में सैकड़ों अपडेट है, आपको इसको अपडेट करना, मतलब जिसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है वो तो करेक्ट डेटा है, और जिसके सामने डेटा लिखा हुआ है इसका मतलब है करेक्ट है, उसको अपडेट करना है। अब यहां पे कि अब कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो
उस केस में हम इस पूरे कॉलम को कॉपी करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम पेस्ट एज ए वैल्यू वगैरह करने नहीं करिए, यहाँ स्किप ब्लैंक है। तो स्किप ब्लैंक क्या करता है, उसी को रखता है जो डेटा विजुअल है, ओके जो डेटा जिसके सामने डेटा है, विजुअल जो जिसके सामने डेटा है, जिसके सामने डेटा नहीं है उसको डेटा से बाहर, कॉपी से बाहर कर देता है। तो आप कॉपी पेस्ट होगा, ब्लैंक पेस्ट नहीं होगा। ओके समझ आया ठीक डाउट? हाँ ठीक है, जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है आपका ट्रांसपोज का। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ, यहाँ पे हमने सेल्स दिया हुआ, मुझे इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करना है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करना है, तो हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं। इसका यूज होता है चार्ट वगैरह, जो चार्ट है उस चार्ट वगैरह में इसका यूज हम करते हैं। अगला टॉपिक आता है पेस्ट एज ए लिंक, कौन पेस्ट एज ए लिंक। अब जैसे कि आपको लिंक करना है, मेरे पास जो डेटा है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ जैसा यहाँ पे लिखा है उसी तरह का डेटा दूसरे किसी सीट पे ऑटोमेटिक आ जाए, जब मैं यहाँ चेंज करूँ तो वो अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं इक्वल करके अगर इसको सिलेक्ट करके एंटर मारता हूँ, मंथ आ गया, और नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ है। लेकिन छोटे डेटा पे आपका ये फिट नहीं बैठता। अब एक डेटा मैं ओपन करता हूँ बड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं ब्राउज़र, मैं यहां से डीडी को लेता हूं, मेरे पास आपके सामने एक डेटा है यहां पे, राइट? और मुझे ये डेटा तीन चार लोगों को मेल करना होता है, लेकिन पूरा डेटा नहीं। हमें किसी को सिटी नहीं देना होता है, किसी को प्रोडक्ट नहीं देना होता है, किसी को मुझे इसकी एमआरपी नहीं देनी होती है, किसी को टैक्स नहीं देना होता है, वगैरह। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, दूसरे सीट पे पेस्ट करते हैं, और फिर मैं जो जो चीज नहीं देना है उसको डिलीट करता हूं। मुझे ये हर बार करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक तरीका निकाला कि हमने अपने इस डेटा को कॉपी किया और हमने पेस्ट नहीं, पेस्ट एज ए लिंक किया, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक किया। इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक कर देता हूँ। हो गया सर? और मुझे जो ओके लिंक चाहिए मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। क्या अब मुझे, अब कल के डेट में अगर हमारा डेटा चेंज होगा, डेटा चेंज होता है तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, बोला पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। समझा नहीं सर, कैसे हम कहीं कोई और शीट में लिया है ना, ये
हमने दूसरी शीट में लिया है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए बात, ठीक है। मेरे पास एक डेटा है, राइट, मुझे इसको दो तीन लोगों को मेल करना होता है, लेकिन मुझे पूरा डेटा मेल नहीं करना होता है। किसी को मुझे इस डेटा का 3 कॉलम मेल करना होता है, किसी को मुझे इसको डेटा का 5 कॉलम मेल करना होता है। तो मुझे अब तक क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, एक नई सीट इंसर्ट करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर जो कॉलम नहीं चाहिए उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। समझ गए? मुझे हर दिन करना पड़ता है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं डेटा यहाँ पे अपडेट करूँ और जिस जो जो कॉलम मेल करना है ऑटोमेटिक यहाँ जनरेट हो जाए, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट ना करना पड़े और डिलीट ना करना पड़े। समझ गए? तो हमने क्या किया, हमने अपने डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया पूरा डेटा, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके नॉर्मल पेस्ट ना करके पेस्ट एज ए लिंक कर लिया। अब फिर जो जो कॉलम नहीं भेजना है उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ओके? ओके। अब मेरा जो डेटा है, डेटा लिंक विद सीट टू है। कल के डेट में अगर सीट टू का डेटा चेंज होता है, जैसे मान लीजिए मैं क्वांटिटी को यहाँ पे 80 करके एंटर मारता हूँ, तो डेटा टू पे देखेंगे 80 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से मूव करके किसी को मेल कर सकता हूँ, सेंड टू मेल कर सकता हूँ ऑलरेडी, या प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी करना है कर सकता है, कॉपी पेस्ट करके वैल्यू पेस्ट करके भेज सकता हूँ। बार बार डिलीट विलीट करने की झंझट नहीं होगी ना सर। ये तो एक सीट है, ऐसे 3-4-5 सीट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। तो पेस्ट एज ए लिंक का मतलब क्या होता है कि वो डेटा या फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करता है, जहां से आप कॉपी करते हैं उसके साथ उसको लिंक करता है कि कल की डेट में अगर वो अपने आप को चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? जी जी kind of equal to formula type of, with a huge data. अब हम बात करते हैं paste as a picture की, paste as a picture की। अब मेरे पास डेटा है, अब मुझे मान लीजिए इस डेटा को छोटा करना है, जब छोटा करेंगे तो पूरा कॉलम छोटा होगा ना सर। हो सकता है कि इसके नीचे में कोई बड़ा सा डेटा लिखा हो, वो भी छोटा हो जाएगा। सही। तो हम कॉलम छोट नहीं करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, इसको डैशबोर्ड पे या रिपोर्ट्स में हमें इस्तेमाल करना है, छोटा सा एरिया को इस्तेमाल करना है, तो हम पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। अब इसको हम अपने हिसाब से जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं, या जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। इसकी एक और खासियत है कि इसमें किसी तरह की अब एडिटिंग भी नहीं होगी, तो प्रोटेक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका डेटा नॉट, समझे? ओके, पैसा द पिक्चर, राइट, ये पिक्चर बन गया है। लेकिन क्या है, एक बार काम है तो ठीक है, लेकिन आपको ये बार बार करना पड़ता है तो प्रॉब्लम है। हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा आपके, ये जो पिक्चर आपके डेटा से लिंक नहीं है। लेकिन मुझे लिंक करना है, अगर 100 टाइप करूं तो मेरा पिक्चर में भी 100 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो उस केस में हम कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट एज ए पिक्चर की जगह पे पिक्चर लिंक को करेंगे। पिक्चर लिंक देखिए फॉर्मूला से लिंक हो गया, पिक्चर को जब सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला वाले में फॉर्मूला दिखेगा, और जैसे यहाँ पे करें आपका यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप इस पे कोई कलर करते हैं, जैसे मैंने वहां ग्रीन कर दिया, तो आपका पिक्चर में भी ग्रीन हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं। जैसे मान लीजिए कल के डेट में हमारा बढ़ गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल आ गया, अब मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करने पड़ेगा क्योंकि अप्रैल का डेटा इसमें तो नहीं है,
रो नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका 10 तक है ना, 10 रो तक। फॉर्मूला में क्लिक कीजिए तो 9 तक है, इस 9 को डिलीट करके आप 10 कर दीजिए, ये आपका 10 हो जाएगा। अच्छा अपने आप अपडेट भी हो जाएगा। और यही नहीं, अगर आपके पास वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल है, पावर पॉइंट पकड़ा है, वर्ड पकड़ा है, तो आप उस पे भी इस फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका पेस्ट हो गया, हो गया, क्लियर है? अगर विदाउट मैं एक्सेल में लिंक चेंज हो जाएगा अगर लोकेशन चेंज नहीं हुई तो। अगर मैं एक्सेल, मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 को कलर कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ भी कलर हो जब तक वो फाइल उसी लोकेशन तब तक चेंज हो सकता है गया। हाँ, राइट, जब तक फाइल ओपन रहेगा तब तक आपका होगा। सिर्फ ओपन रहने में या फिर लोकेशन में हो क्लोज कर दिए तो। नहीं, आप एक्सेल ओपन करेंगे अपने आप चेंज, हम सेम लोकेशन में लोकेशन चेंज करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, फाइल क्लोज कर दूंगा तो वर्ड में रहेगा चला जाएगा। नहीं वर्ड में रहेगा, फाइल क्लोज करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस अपडेट नहीं होगा, अपडेट करने के लिए फाइल ओपन करनी पड़ेगी। फाइल ओपन करना जरूरी है। अब इसमें जैसे अब इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, कट कॉपी तो नॉर्मल जानते ही हैं, आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिंटर है, हमने इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए सेम फॉर्मेट मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, तो कॉपी करके पेस्ट एज ए फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें, वो आपका पेंट कर देगा। कर रहा है, क्लियर है? उसके बाद इसमें एक आता है कि मैं इसमें डबल क्लिक कर दूं तो ये हटेगा नहीं, एक साथ होगा, कई सारे जगहों पे करना है। मतलब समझा नहीं, डबल क्लिक करने पे। हाँ देख रहे हो ना, आपका प्रिंटर हट ही रहा है ना, जहाँ क्लिक करो वहां प्रिंट हो जा रहा है ना। जहां जहां क्लिक करना है वहां डायरेक्ट एक साथ कर हाँ, सकते लेकिन हैं। आप सिर्फ सिंगल इस पर सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक करेंगे तो एक ही बार होगा, तब फिर हट जाएगा। ठीक है, एक और क्लिप बोर्ड का यूज है, तो क्लिप बोर्ड का यूज समझाने के लिए मुझे एक एक्सेल फाइल में डेटा बनाना। आप लोग ऑफिस में डेटा कुलेशन का काम करते हैं? डेटा कुलेशन मतलब कि कई सारे शीट्स पे डेटा है, उसको एक शीट पे कॉपी पेस्ट करना। तो सेम काम मैं भी यहां पे कर रहा हूं, लेकिन बहुत आपसे आधे टाइम, आपको जितना टाइम लगता होगा उससे आधा टाइम हम इसको करने जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूं, हमारे पास डेटा है, और मुझे एक आखिरी शीट यहां पे, ये डेटा है हमारा, मुझे इस पे सबको पेस्ट करना है, इन सबको पेस्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर सबसे नीचे आते हैं और पेस्ट करते हैं, यही करते हैं ना सर। मैं क्या करूंगा, क्लिप बोर्ड को ऑन कर लूंगा, यहां से ये दिख रहा, फिर सीट वन पे जाऊंगा और अपने डेटा को जस्ट कॉपी करूंगा, पेस्ट नहीं करूंगा,
हमें क्या करना है, सिर्फ कॉपी, कॉपी करना, ओनली फॉर कॉपी करना। ठीक है, फिर जहां पेस्ट करना होगा वहां पे आएंगे और पेस्ट ऑन कर देंगे। पेस्ट हो गया, ओके, समझे? हाँ हाँ क्लिपबोर्ड से ना। हाँ, यहाँ पेस्ट ऑन। तो आप जो है बस आपको कॉपी करना है, क्या करना है, जस्ट कॉपी ओके, पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल कीजिए, आपका पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आपका यहां पे पेस्ट स्पेशल का टॉपिक क्लियर होता है, लेकिन एक अगला टॉपिक है पिक्चर लिंक, क्योंकि पिक्चर लिंक मैंने जो पढ़ाया है आपको, वो आपको मैं पूरी पूरा तरह से नहीं पढ़ाया। पिक्चर लिंक को पढ़ना है, लेकिन पिक्चर लिंक का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, और आगे चल के भी जब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होंगे आपको, तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में हम आपको एक वीडियो पहले देंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे पिक्चर लुकअप की वीडियो हम आपको भेज रहे हैं वाया व्हाट्सएप। पहले आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। हमने आपको भेज दिया, ओके, ठीक है, फिर हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हमारी क्लास, आपकी जो क्लासेस की वीडियो है तो उसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, मिलता है कि मिलता सर आपको? जी, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईपीटी क्लास के कुछ देर बाद आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे चले जाइए और चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो होगा वही आपका होगा, ठीक है? बावन मिनट पहले मैंने इसको अपलोड किया है, 1 घंटे पहले इसको अपलोड किया है, ऐसे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। नहीं मिलता तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल फोन में एजेंट स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि क्लास के सेशन को आप खुद से रिकॉर्ड कर सके।